दोस्तों, क्या आपको पता है कि इटली बहुत जल्द चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को छोड़ सकता है? देखिए, 2019 में इटली G7 की फर्स्ट कंट्री था जिसने चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया, और आज लगभग 4 साल बाद इटली को इस डील की वजह से फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। 2019 में इस डील को चाइना के साथ साइन करने के बाद से इटालियन एक्सपोर्ट्स सिर्फ 1 बिलियन यूरो से इंक्रीज हुए हैं, वहीं चाइना से इम्पोर्ट्स में लगभग 25 बिलियन यूरो की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरे हाथ पर जर्मनी और फ्रांस, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मेंबर्स नहीं है, इटली से ज्यादा चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, यानी कि इस डील से इटली से ज्यादा चाइना को फायदा हुआ है, और इसीलिए इस मंथ जापान में होने वाली G7 मीटिंग के बाद इटली BRI को छोड़ने का डिसीजन ले सकता है। तो दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताएं कि और कौन सी कंट्री चाइना के BRI में फंस कर रह गई है।